तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से कारण है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, शरीर के कुछ हिस्सों में सुन्नपन, कमजोरी और दोस्तों आंखों की रोशनी कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इस तरह की समस्याएं कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी, खराब खान पान, डिहाइड्रेशन, इनकी वजह से भी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ मामलों में ये किसी गंभीर समस्याओं का भी संकेत हो सकते हैं। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित रोगों में भी कुछ इस तरह के ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके कारण लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसा कि मैंने बताया। क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज में जो हमारी हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी स्वस्थ सेल के खिलाफ अटैक कर देता है, यानी कि हमारी स्वस्थ सेल को भी डेड करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज, जो यहां पर इस तरह की डिजीज बनती है। दोस्तों ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो इस कंडीशन में हमारा नर्वस सिस्टम गंभीर रूप से इफेक्टिव होने लगता है, जिसके कारण शरीर के कुछ हिस्सों में सुन्नपन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं और उन्हें इधर उधर जाने में, चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे बात करें दोस्तों कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो रोग है, जो डिजीज है, ये क्यों होती है। दोस्तों वैसे तो इसका कोई सटीक कारण अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसका असली कारण क्या है, लेकिन इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो खुद पर अटैक करने लग जाती है। दोस्तों इस कंडीशन में व्यक्ति का शरीर और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो टूटने लगता है, ऐसा आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के कारण होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें इम्यून सिस्टम की जो इम्यून सेल्स है, जो सुरक्षा प्रदान करने वाली जो लेयर होती है जिसे माइलिन बोलते हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है। ये लेयर नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने का काम करती है। तो जो एक मैसेज पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, वो मैसेज प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है और उस मैसेज में थोड़ा वक्त लग जाता है। दोस्तों कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एब्स्टीन-बार वायरस, जिसको हम ईबीवी वायरस बोलते हैं। दोस्तों इसकी चपेट में आने से ईबीवी वायरस की फ्यूचर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का जो रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी नर्वस सिस्टम इफेक्टिव होता है। ये देखा गया है कि जो लोग धूप में कम समय बिताते हैं उनके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, वे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शिकार जल्दी हो सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों में कोई पहले से कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसकी फैमिली में पहले से कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज हो चुकी है या हो रखी है, तो उनके बच्चों में फ्यूचर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बात करें दोस्तों इसके सिम्टम्स की, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे बताया आपको कि आंखों की रोशनी कम होना या आंखों की रोशनी खो देना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स देखा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। दोस्तों शरीर में पिन चुभने जैसी कुछ सनसनी और कुछ दोस्तों झुंझुनाहट महसूस करना, कमजोर याददाश्त, मतलब हमारी याददाश्त वीक हो जाना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द महसूस होना, सुन्नपन महसूस करना, बातचीत के दौरान कठिनाई महसूस होना, कई बार दोस्तों जुबान लड़खड़ाना, तो ये कुछ बड़े कॉमन से जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।